हाउसफुल 4 प्रोड्यूस किया है इसे साजिद नाडियावाला ने, और राइट भी इन्होंने ही किया है, मतलब इसके राइटर यही हैं। और इसके अंदर जो स्टारिंग है, अक्षय कुमार है, राजकुमार बाला का जो किरदार निभाया है 14 से 19 में, और जो 2019 में उन्होंने निभाया है हैरी का किरदार, और उनके साथ हैं रितेश देशमुख, जिन्होंने 2014 से 2019 में बांगड़ू महाराज का और 2019 के अंदर एक रोए का किरदार इसके अंदर निभाया है। फिर हैं बॉबी देओल, जिन्होंने 2019 के अंदर धर्मपुत्र और 2019 के अंदर मैक्स का एक मैक्स नाम के एक व्यक्ति का किरदार निभाए हैं। और इनके अलावा है कृति खरबंदा, कृति सैनन, पूजा हेगड़े, शरद खेलकर, बोमन ईरानी, राणा दुर्गापति। जो राणा दुर्गापति का जो करेक्टर है इसके अंदर, वो मैं हैरान हुआ ये लास्ट में देख के, मतलब लास्ट में क्या है, एंडिंग में आता है जो इनके साथ जो किया गया है, वैसे स्टार्टिंग में दिखा देते हैं कि इनका एक किरदार है, लेकिन एंडिंग में जो इनका किरदार, जो इनको रोल दिया गया, वो देख के हंसी नहीं आती, देख के थोड़ा सा अजीब सा लगता है यार, इतने अच्छे खासे एक्टर का इन्होंने ये हाल कर दिया। वो तो आप मूवी देख चुके होंगे तो आपको पता भी होगा, बाकी इसकी बाद में बात करेंगे। चलिए स्टोरी की बात कर लेते हैं। स्टोरी इसके अंदर क्या है, वही एज यूजुअल हम बहुत सारी मूवीज देख चुके हैं कि तीन हीरोइन होती हैं, तीन हीरो होते हैं, उनकी शादी किसके साथ हो रही होती है, बस इसी को लेके पजल होते हैं। वही सेम टू सेम जो हाउसफुल से चलती आ रही है, वही इसके अंदर हाउसफुल 4 के अंदर मिलती है। हाउसफुल 1 की बात करें, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मुझे बहुत पसंद आई थी। हाँ, ये मूवी स्टार्टिंग में बहुत अच्छी थी, तभी इसके जो है सीक्वल बनते चले गए, हाउसफुल 2, हाउसफुल 3, इनको तो मैंने इतना पसंद भी नहीं किया, लेकिन हाउसफुल 4 की बात कर रहे हैं तो इसको मैंने कौन सा इतना पसंद किया। स्टोरी की बात करें तो तीन जो मैंने नाम लिए, रितेश देशमुख, अक्षय कुमार और बॉबी देओल, जो 2014 से 2019 के अंदर जिनका प्यार अधूरा रह जाता है, वो 2019 के अंदर वो पूरा करते हैं, यानी 600 साल का जो प्यार है वो अब आगे वो पूरा करते हैं। जैसे कि 2014 से 2019 में इनकी मौत हो जाती है, इनको मार दिया जाता है, जैसे मूवी में दिखाया गया। अब तक तो देख लियो, क्योंकि रिव्यू मैं बहुत लेट कर रहा हूँ, तो इसमें अगर कोई स्पॉइलर की बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कोई इतनी बड़ी बात हो जाएगी। वैसे भी मूवी के अंदर कोई कहानी तो है नहीं, ये मूवी वैसे कॉमेडी के पर्पज से है, तो इसके अंदर कोई कहानी का अगर स्पॉइलर भी दे दूँ तो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जैसे 2019 के अंदर बॉबी देओल जिस लड़की से प्यार करता है, 2014 से 2019 के अंदर अक्षय कुमार उस लड़की से प्यार करता था, और अक्षय कुमार प्रेजेंट में जिससे प्यार करता है, रितेश देशमुख 2014 से 2019 में उससे प्यार करता था, और रितेश देशमुख प्रेजेंट में जिस लड़की से प्यार करता है 2014 से 2019 में बॉबी देओल उससे प्यार करता था। ये समझाने के लिए मुझे बकायदा लिखना पड़ा, इसको काफी देर मुझे इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ी कि कैसे बताऊं मैं ये चीज। आप सोच लो ये मूवी में कैसे दिखाया गया होगा। वैसे इतना कोई महारत उसमें नहीं लगानी पड़ेगी, कोई आपको इतना दिमाग खर्च नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो आपको दिमाग खोल के बैठना पड़ेगा कि हाँ मूवी में चल गया है। अब ये इसकी कहानी है कि 2014 से 2019 में उनकी डेथ हो जाती है, इन तीन हीरो और तीन हीरोइन की। 2019 में वो कैसे अपने प्यार को पाते हैं, इसके इर्द गिर्द ये मूवी घूमती है। अब रही बात कॉमेडी के अंदर, जैसे हाउसफुल के अंदर जो एक डायलॉग आया था, इसमें ठरकपन दिखता है। अब इसी के अंदर ये भी एक अजय, ये थोड़ा लंबा खींचते हैं। स्टार्टिंग जो हाउसफुल थी, इसको बताया गया कि कैसे बोला जाए, ये तब से मुझे फेवरेट लगता है। अब ये जो सेम चीज है ये रखी गई है, और चंकी पांडे की एक चीज है कि चंकी पांडे जो 2014 से 2019 में उनका नाम था पहला पास था, और 2019 में उसका उनका नाम है आखिरी पास था, मतलब ये नाम भी बड़े अजीब रखे हैं उन्होंने, कमाल है। अब कॉमेडी की बात करें कि कितना ये हमें हंसाती है, मूवी देख के हम कितना फ्रेश फील होते हैं, तो मुझे सिर्फ इस हाउसफुल में चार बातों पे ही हंसी आई। जैसे कि फर्स्ट में जैसे अक्षय कुमार, बॉबी देओल और रितेश देशमुख जिनसे प्यार करते हैं, उनके पिता से मिलने जाते हैं, और उनके पिता जब उनसे बात करते हैं, अक्षय कुमार अपनी माँ की फोटो दिखाते हैं, तो उनके जो समधी होते हैं उनकी अपनी समधन की फोटो को किस कर लेते हैं, एक तो वो ये कह के कि देख सोने की चिड़िया उनको भी, तो उस पे हंसी आती है। और सेकंड, जैसे कि 2014 से 2019 में अक्षय कुमार को ऐसे दिखाया गया है कि वो बहुत क्रूर एक राजकुमार है, जो लोगों को मारते हैं, ऐसे ऐसे उनको इशारा करते हैं कि इन सबको मार दे, अपने पिता को भी मारने का वो आदेश देते हैं, लेकिन
जो सेनापति उनकी सुनते नहीं है, इसलिए उनको अपने ही राज्य से निकाल देते हैं। फिर वो सीतापुर में जाते हैं, वहां पे वो बताते हैं कि यहाँ मैं एक शाही कोठा खोलूंगा, इस साइड में गरीबों को मारने के लिए एक अलग से चीज बनाऊंगा, मतलब वहां गरीबों को तीर मारा करूंगा। तो ऐसी उटपटांग सी बातों में थोड़ी बहुत हंसी आती है। वैसे अक्षय, मैंने ये मूवी देखी इसलिए क्योंकि मुझे अक्षय कुमार की जो कॉमेडी टाइमिंग है, जो कॉमेडी के अंदर वो मुझे बड़े पसंद आते हैं। एक्शन में तो वो बहुत अच्छा काम करते ही करते हैं, और बहुत टाइम से वो सोशल मूवीज बना रहे हैं। तो एक ये मूवी आई थी कि कॉमेडी से रिलेटेड, तो मैं ये देखना चाहता था कि हाँ उन्होंने कॉमेडी, क्योंकि जब से वो हाँ मैंने हेरा फेरी उनकी देखनी स्टार्ट की थी, तब से बड़े ही मुझे वो पसंद आने लगे कि बहुत बेमिसाल वो कॉमेडी करते हैं। तो ये पूरी मूवी मैं कह सकता हूँ कि अक्षय कुमार ने ही मतलब चलाई है, क्योंकि थोड़ी बहुत जो हमें हंसी आ पाती है इस मूवी में वो सिर्फ और सिर्फ अक्षय कुमार जी की वजह से ही आ पाती है। बाकी जो इसके अंदर अदर डायलॉग हैं वो सेम टू सेम वैसे ही हैं जो पहले मूवीज के अंदर थे, कोई इसके अंदर नया आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जो एक आधी अगर आपको हंसी आएगी वो ट्रेलर में वैसे ही इन्होंने डायलॉग दे रखे हैं, जैसे कि रितेश देशमुख को अक्षय कुमार जी कहते तू याद कर तू पिछले जन्म में भांड था, और रितेश देशमुख जो उसके रिप्लाई में जो कहते हैं ये वाली है कैसा कुछ सीन था, वो वैसे ही उन्होंने ऑलरेडी ट्रेलर के अंदर दिखा दिया। अब मुझसे पूछो कि मूवी देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, देखो यार मुझे नहीं लगता कि ये मूवी पैसा वसूल मूवी है, या आप इसको एक टाइम देख लेंगे तो आपका मन करेगा कि हाँ बहुत सही है, वन टाइम मूवी है, एक टाइम तो हम इसे देख सकते हैं, लेकिन मुझे तो वो भी नहीं लगता। केवल चार बातों पे मुझे हंसी आई, बाकी तो मूवी मुझे ऐसी ही लगी, बहुत लेंथी मूवी हो जाती है। 2 घंटे वहाँ बैठना बिना वजह के, बिना ही सर पैर की वो कोई कहानी चल रही है, मतलब कहानी तो बता ही दिए क्या कहानी है, उसमें कोई इंटरेस्टिंग नहीं है, कोई हमें बांध के वो मूवी लास्ट तक नहीं रखती है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे नहीं लगता कि ये मूवी डिजर्व करती है कि हम जाके देखें। अगर जिन्होंने नहीं देखी है तो भाई मुझे नहीं लगता कि आपको जाना चाहिए, और जिन्होंने देख लिया तो उनको तो पता ही है कि हाँ कि मूवी कैसी है। तो जिन्होंने देख लिया है वो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको ये मूवी कैसे लगी, और जिन्होंने नहीं देखी, अगर आप अक्षय कुमार के फैन हैं तो बेशक आप ये मूवी देख सकते हैं, आपको अगर उनकी कॉमेडी पसंद है तो आप मूवी देख सकते हैं। अब स्टार की बात करें इस मूवी को, तो मैं इसको देना चाहूँगा 3 out of 10 stars। देखो इतने ही बहुत मुझे लगते हैं कि हाँ कहीं मैंने फालतू तो नहीं देते हैं, लेकिन इतने ही बहुत हैं। बस आज के लिए इतना ही था इसमें, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।